लाट साहब, आपने पाकिस्तान के हवाले से बात की है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो कश्मीर विकास के लिए कुछ काम नहीं कर रही, किस तरह आपको महसूस हुआ? यही महसूस हुआ है क्योंकि अगर आप देखें तो कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी नौजवान हैं वो मसलसल अपना खून दे रहे हैं, वो पीसफुल डेमोंस्ट्रेशंस करते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी, इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट से लेकर अल जज़ीरा तक ये खबरें आप गूगल कर लें सामने हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वही फॉरेन मिनिस्टर हैं, पता नहीं क्या वजह है, शायद वो मोदी साहब की वजह से या उनके ज़ाती जो इंटरेस्ट हैं हिंदुस्तान के साथ, वो बात नहीं करते हैं। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं, वो भी ओपन क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं, आज़ाद कश्मीर की असम्बली कुछ नहीं बोलती। तो मेरी फ्रस्ट्रेशन है जिसकी वजह से मैं कनाडा में आके बोल रहा हूँ। अगर मैं, काश के ये बातें मैं इस्लामाबाद में कह सकूँ, मुजफ़्फ़राबाद में कह सकूँ, वहाँ पे लोग पर्सनल हो जाते हैं। सच्ची बात यह है कि जो मियां साहब के पर्सनल इंटरेस्ट हैं वो प्रेसिडेंट टेक करते हैं, बजाय इसके कि वो नेशनल कॉजेज और लोगों के कॉजेज को प्रमोट करें। जो कश्मीर कॉज है ये नेशनल कॉज है, पाकिस्तानियों का कॉज है, कश्मीरियों का कॉज है, लेकिन उसके बावजूद मियां साहब बहुत कम, एक दफ़ा उन्होंने जनरल असेंबली में, यूएन की असेंबली में कश्मीर का नाम ले लिया तो मुस्लिम लीग नून वाले नारे लगा लगा के तो उनके जो आवाज़ें हैं वो बैठ गई हैं। तो एक दफ़ा से कुछ नहीं होता, वो आप देखें तो मोदी मसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर फैला रहा है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेनिंग कर रहा है, वो सारे जितने आपके सराउंडिंग जो ममालिक हैं, जो मुसलमान मुल्क हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान है, ईरान है, चाहे यूएई है, सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया में ये समझते हैं कि हमारी जो थ्रोन चेयर है, कुर्सी है, वो वहाँ पे बैठी है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हाईएस्ट जो अवार्ड है वो इसको, मोदी को दिया, लेकिन इनको किसी ने पूछा भी नहीं, और फिर भी ये नारे जो है वो सऊदी अरेबिया के लगाते हैं। अच्छा, यहाँ जो आज फंक्शन हुआ है खासतौर पर कश्मीर के हवाले से, कितना इम्पैक्ट करता है कि कनाडा में कश्मीर के हवाले से बात हो रही है, आप खासतौर तौर पर वहाँ तशरीफ? मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, यहाँ पर जो जिन लोगों ने तकरीरें की वो मेन स्ट्रीम से हैं और वो मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन से, और क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस कश्मीर पे बहुत कम और जगहों पे होती हैं, लंदन के अलावा, इंग्लैंड के अलावा, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी सिग्निफिकेंट है और इससे और लोगों को इंकरेजमेंट मिलेगी, और फिर आपके चैनल के थ्रू भी लोगों को पता चलेगा कि कश्मीर कॉन्फ्रेंस पे क्या क्या हुआ। आप जब आए हैं यहाँ पे, अभी बस सुना है कि कुछ थोड़ा सा आप किसी इन्वेस्टिगेट किया उन्होंने कनाडा आने से पहले कुछ इमिग्रेशन? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि ETA जो है वो हासिल करना होगा, और वो एयरपोर्ट पे जो है वो उन्होंने बताया कि वो बोर्ड नहीं करने देते, तो मैं, कोई मुझे कोई गिला नहीं है, वो इनकी रिक्वायरमेंट है, मुझे नहीं पता था, तो क्योंकि मैं ब्रिटिश सिटीज़न हूँ, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन हूँ, लेकिन मुझे कोई इस पर एतराज़ नहीं है। मैं दूसरे दिन गया हूं और मेरा जो प्रोग्राम है वो मुसलसल चल रहा है। एक छोटा सा सियासी सवाल के नवाज शरीफ साहब के हवाले से, आपने पहले बड़ी तनकीद की, उसके बाद फिर एक प्रोग्राम हमने देखा कि थोड़ा सा आपने कहा कि नहीं, शायद वो गलत फहमी थी, तो अभी वो गलत फहमी है या मेरी कभी आप, उनके बारे तो आपके में बारे वही राय है जो पहले थी? मेरी कोई गलत फहमी हुई नहीं। मैं जब उनके साथ पाकिस्तान गया था तो उस वक्त पाकिस्तान को नेशनल लीडरशिप की ज़रूरत थी, मोहतरमा बेनज़ीर के साथ भी और इनके साथ भी, लेकिन बाद में जब करप्शन की बात हुई, उनके घर में करप्शन होती है, इनके ख़ानदान में करप्शन होती है, फिर आप देख रहे हैं कि बाजी कुलसुम और अम्मी जान के अलावा सारा घर अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह के फजल व करम से सारे झूठ बोलते हैं। लाट साहब, ये चाहेंगे कि यहाँ पर जो आप आए हैं तो आपकी डिफरेंट कैनेडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वगैरह से कोई मुलाकात तय हुई है? अभी तक कोई नहीं हुई, और मैं क्योंकि इस दफ़ा बहुत शॉर्ट वक्त के लिए आया हूँ, दो दिन के लिए, और मैं कल वापस चला जाऊँगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, पहले अगर इनको इतला दे के कैनेडा की पार्लियामेंट में जाके लॉबिंग करूँ, मेरे ख्याल में वो बेहतर होगा। एक बात और पूछना चाहूँगा, आपने नवाज शरीफ साहब की तो बात कर दी, बाकी जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका बिहेवियर कैसा है इस कॉज के लिए?
देखें बिल्कुल सारे के सारे जो हैं वेरी अनफॉर्चुनेट। जरदारी साहब, मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी ने बोला है तो वो बिलावल भुट्टो ने, चाहे मैं उसकी सियासत से एग्री नहीं करता हूं, लेकिन इमरान ख़ान से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं कि कश्मीर के वो इलेक्शन हो रहे थे तो वो पैनामा की बात करता था और एक दो बार उसने बोला है, तो इतना मैं नहीं समझता हूँ कि उसको इतना इंटरेस्ट है। जरदारी साहब तो वो अपने, क्योंकि वो गॉडफादर की पॉलिटिक्स खेलते हैं, तो अगर सबसे ज़्यादा कोई बोला है तो वो बिलावल है और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सर।